उस ई संजीवनी के माध्यम से डॉक्टर के साथ परामर्श करके इलाज करवाया है और लाखों लोग ऐसे हैं जो इस पद्धति से लाभान्वित हुए हैं। प्रधानमंत्री जी ने इस ई संजीवनी को इससे पहले नवंबर 2019 में ही लॉन्च किया था। विचार ये था कि आखिर बहुत लोग ऐसे गरीब परिवारों से हैं जो शायद किसी डॉक्टर के पास जा नहीं सकते, उनके पास समय का अभाव होता है, कभी कभी वहाँ की भीड़ में लंबी लाइनें लगी होती हैं, इंतज़ार करना पड़ता है, तो कोई ऐसी सेवा जो लोगों को फ्री में मिले और अपने घर से बैठकर टेलीफोन करके अपनी बातचीत बता सकें। बहुत बीमारियाँ ऐसी हैं जिसमें शायद अस्पताल में जाना इतना अनिवार्य भी नहीं होता, केवल डॉक्टर से बात करके और दवाई अगर वो हमको लिख के दे देते हैं, बता देते हैं, तो हम उस दवाई का प्रबंध करके उनकी बताई पद्धति के अनुसार जो भी डोज वो बताते हैं वैसा हम ले लेते हैं, एक प्रकार से राहत मिलती है। हमने इसके लिए अपने हर जिला केंद्र पर दो दो डॉक्टर 24 घंटे की सेवा दे रहे हैं, नियुक्त किए हैं, और इसी प्रकार PGI चंडीगढ़ में भी हमारा उनके साथ भी करार है, तो 8 डॉक्टर लगातार राउंड द क्लॉक वहाँ बैठते हैं, तो ऐसे 30 डॉक्टर्स एट ए टाइम ये हमको हर प्रकार की बीमारी का उचित परामर्श देने के लिए बैठे हैं। इसका लाभ उठाने के लिए लाखों लोगों ने, 1,02,000 लोगों ने, जो मेरे पास ठीक आंकड़ा है, अभी तक इसका लाभ उठाया है। तो मित्रों, डॉक्टर से बात करके अपनी संतुष्टि से और हम ये जो डिजिटल स्वास्थ्य की सेवा है इसका लाभ हम लोग उठा रहे हैं। देश में प्रधानमंत्री जी ने जो आयुष्मान भारत की योजना चलाई, इसमें गरीब व्यक्ति को 5,00,000 रुपए तक का मुफ्त बीमा ये सारे देश भर में लोगों को दिया गया है। हरियाणा में ऐसे 15.5 लाख परिवारों को इस बीमा का लाभ होने वाला था। हमने साथ में चिरायु योजना बनाई जिसके कारण से ये संख्या 29 लाख परिवार इसमें कुल मिलाकर शामिल हो गए। बाद में जब ऐसा भी लोगों की डिमांड आई कि 1,80,000 रुपये वार्षिक से ऊपर 3,00,000 रुपये तक के लोगों को भी ये योजना का लाभ मिले, तो हमने बहुत कम राशि केवल 1,500 रुपया वार्षिक योगदान से और इसको ऐसे लोगों के लिए भी खोला है जो अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। ऐसे 8 लाख नए परिवार इसमें जुड़ेंगे, अगर ये सब जुड़ते हैं तो लगभग 37 लाख परिवारों को ये सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। गरीब व्यक्तियों का 2 साल में एक बार मेडिकल टेस्ट ये अनिवार्य रूप से किया जाए, इस पद्धति को हमने निरोगी हरियाणा इसका नाम दिया। और निरोगी हरियाणा के अंतर्गत आज ऐसे सब गरीब परिवारों के, उनके बच्चों के, सबके परीक्षण ये चल रहे हैं, और इसके तहत 25 प्रकार के जो मानक हैं उसमें ऐसे परिवारों की स्वास्थ्य जांच ये होती है। अभी तक 32 लाख से अधिक व्यक्तियों की जांच हो चुकी है, 1,72,00,000 टेस्ट ऐसे किए जा चुके हैं। हमने पूरे हरियाणा में मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना ये भी चला रखी है, और इस योजना के अंतर्गत 228 प्रकार के ऑपरेशन, 70 प्रकार के टेस्ट और 21 प्रकार की दंत चिकित्सा ये मुफ्त दी जाती है। साथ ही लगभग 500 दवाइयाँ ये भी मुफ्त दी जाती हैं, ताकि गरीब को अपने शरीर का स्वास्थ्य बिगड़ने पर कोई पैसा खर्च न करना पड़े, ऐसी सब योजनाओं का लाभ आम आदमी को हो रहा है। गरीब आदमी का पैसा खर्च न हो, इसके लिए चाहे आयुष्मान भारत की बात है, चिरायु हरियाणा की बात है, निरोगी हरियाणा की बात है, ये सब योजनाएं हम चला रहे हैं, आप इनका लाभ उठाइए। और अच्छे डॉक्टर्स, अच्छे कंसल्टेंट ये हमको मिले, इनकी संख्या हम बढ़ा रहे हैं। कुल मिलाकर ये सब काम इसीलिए किए जा रहे हैं कि हम स्वस्थ, हमारा हरियाणा स्वस्थ, देश स्वस्थ, ये होगा, हम सबका भला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।